हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी का पार्ट वन की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसमें आप लोग को बहुत परेशानी हो रही है कि एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। उसके साथ साथ आपको गेस पेपर आ गया जो कि बहुत जगह पर मार्केट में नहीं मिल रहा है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मुजफ्फरपुर से जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ से किसी से ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या फिर PDF मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताया जाएगा कि आप लोग कैसे कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि गेस पेपर का ऐसा ही आप लोग को एक फ़ोटो यहाँ पे है कि ऐसा ही आप लोग को गेस पेपर मिलेगा। आप लोग हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप लोग कर लीजिएगा। तो जनरली इसमें गेस पेपर में क्या है, तो गेस पेपर में आप लोग को एकदम से जैसा मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि आप लोगों को 50% 60% आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, और आपको डिफिनीशन टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उस टाइप से आप लोगों को थ्योरम जो है उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन का पूछ दिया गया है, तो उसमें आप लोग को मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप लोग को एक भी चीज़ स्किप नहीं करना है, हर एक चीज़ का रिवीजन करना है। तो अभी तो आप लोग पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन आप लोग को उसका पूरा अच्छा से डिटेल में रिवीजन करना पड़ेगा। जैसा कि पिछले साल वाला जो पैटर्न था, तो वो एक पैटर्न आ रहा था, बहुत साल से चला आ रहा था कि हाँ इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा। तो वो अब चेंज हो गया है, अब आपका टॉपिक के साथ साथ आपका क्वेश्चन बदल गया है। तो आप लोग किस टॉपिक का कैसे तैयारी करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को ये एक आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को मॉडल पेपर आप लोगों को वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड चला आ रहा था कि मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है पार्ट वन का, तो वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता था, साथ में एक इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का जरूर आता था। तो ये दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिलाकर ऐड करके आता था, तो इससे आप लोग को पता चल जाता था कि हाँ मैट्रिक्स का हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये चीज़ हमें फुल्ली कवर करना है। उसके बाद देखिए, अगर और सारे मैट्रिक्स का एनालाइज करेंगे, तो जैसा कि मैंने किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और उससे आप लोग को पता चल जाता था कि हाँ यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप लोग को जब रैंक और इनवर्स निकालने ये एक क्वेश्चन में आता था, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए आता था, और साथ में आप लोग को इक्वेशन देता था जो कि आपको मैट्रिक्स मेथड से उसको सॉल्व करना रहता था। ठीक है, उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देता था, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस टाइप से ट्रांसपोज ऑफ ए का क्वेश्चन आता था, और हर्मिशन और एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स साथ में यहाँ से देता था कि आपको उसका सम निकालने के लिए, और फिर सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपको ये कुछ 7-8-9 टाइप के क्वेश्चन है। टोटल मैंने जो एनालाइज करके बनाया है, एक शॉर्ट नोट्स आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ कि आप लोगों को ये 9 टाइप का क्वेश्चन ही हर साल पूछा जाता था। अगर आप सिर्फ ये 9 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोग मैट्रिक्स का हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हर एक सब्जेक्ट का, मतलब हर एक चैप्टर का हर एक ही ट्रेंड चला आ रहा था, तो वो आपका अब चेंज हो गया है। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग को जो है वो आप लोग को मॉडल पेपर आने के बाद पता चलेगा कि हाँ आप लोग का ट्रेंड कैसा है, आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मॉडल पेपर का इंतज़ार मत कीजिए, वैसे तो जब आएगा उसके कुछ दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, तो आप लोग को एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जून ख़त्म होने वाला है और जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है, इसीलिए आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद, मतलब इस वीडियो के बाद, आप लोग को फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है किस टाइप से आप लोग को आ सकता है, ये एक गेस टाइप में मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, तो वो आप लोग को इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और आप लोग को मैं ट्रेंड दिखा दूँ कि पिछले साल से कैसे चला आ रहा था और इस से कैसे आएगा। तो चलिए एक ओवरव्यू देखते हैं।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पिछला साल का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो कि इस साल के एग्जाम के लिए आप लोग को आया था। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम 2020 का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें गेस्ट क्वेश्चंस भी है, साथ में ये क्वेश्चन बैंक है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका पेपर वन, मैंने सिर्फ मैट्रिक्स का एक ट्रेंड एनालिसिस किया है कि आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन आता था और इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी इस वीडियो में दे दी जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं और ग्रुप बी से देखते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में आपका दो टॉपिक होता है, एक मैट्रिक्स से आता है क्वेश्चन और एक आपका एलपीपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा कि ग्रुप बी में आपका मैट्रिक्स और एलपीपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एलपीपी से है, लीनियर प्रोग्रामिंग से है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पे देखिए 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए डिफाइन हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका किस ईयर का था, तो ये आपका आप लोग देख सकते हैं ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसी साल का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है रैंक फाइंड करने के लिए और इनवर्स फाइंड करने के लिए, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है वो सेम एकदम से आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, इसका जब आप ग्रुप बी में जाइएगा तो ग्रुप बी में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको रैंक निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए सेम दिया है, ठीक है। आपको रैंक निकालना है, इनवर्स निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें एडजॉइंट, मैंने जैसे कि बताया कि एडजॉइंट निकालने के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन इतना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक निकालने के लिए दिया हुआ है। इसी टाइप से आपका और भी क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि सबसे पहले इसको देखते हैं कि आप लोग को इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको यहाँ पे बीएससी मैथ ऑनर्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने टॉपिक लिखा है। उसके बाद मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम के लिए आप लोग को रिवीजन करना होगा। एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 10 दिन पहले आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते या पूरा खुद का नोट्स नहीं पढ़ सकते या फिर कुछ भी आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे सारा टॉपिक। तो आप लोग को कुछ ऐसा चाहिए सिर्फ 2 से 3 घंटे में आप लोग एक जो सब्जेक्ट है उसका एक ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो आप लोग कवर कर पाएं। कम से कम मैक्सिमम आप देंगे तो 5 घंटे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक टॉपिक को नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप लोग को इसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन और यहाँ मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सॉल्विंग इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जो 2x + 3y + z = 3, 4 ऐसे करके 3 को आपको इक्वेशन देना दिया होगा जिसमें आप लोग को मैट्रिक्स मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लिया है ताकि आप लोग को जैसे कि जैसे ही एग्जाम हो तो वो एक दिन पहले आप लोग कैसे रिवाइज करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे जब मेरा पेपर होगा तो मैं इसी से रिवाइज करूँगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफाइन, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जितने साल के भी दिए हुए तो वो मैंने यहाँ पे सारा नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि इसमें से मैं सारा नहीं बनाऊंगी, इसमें से एक दो बनाऊंगी। अगर मेरे पास टाइम बचा तो यहाँ पे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। इस 5 में से आप लोग को निश्चित रूप से ही एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाटर पैटर्न पे देखिए इतना सारा मैट्रिक्स दिया है, इसमें आप लोग को इनवर्स फाइंड कर लेना है और इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को इनवर्स फाइंड करने के लिए देगा, नहीं तो आपको जो होगा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए देगा। आपने जैसे देखा कि इनवर्स के लिए दिया था और ऑर्डर निकालने के लिए दिया था, वैसे ही आप लोग को इसमें भी देगा, ठीक है। आप लोग को अभी तक सिर्फ
एक ही क्वेश्चन आया ऑर्थोगोनल यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, कोई एक यहाँ पे मैट्रिक्स देगा और फिर उसको आप लोग को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ अभी तक एक ही क्वेश्चन आया। उसके बाद देखिए टाइप फोर में देखिए कि यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है जो सिर्फ आपको अभी तक दो क्वेश्चन आया है। आप लोग को 6-7 ईयर के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया, तो सिर्फ दो क्वेश्चन आया है जो इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड से आपको सिर्फ दो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आप लोग को सिर्फ दो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए और बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपका क्वेश्चन आया है सिर्फ एक ही। उसके एक नहीं, ये 2 साल पूछा है आपका 2019 में और फिर 2017 में, मतलब 1 ईयर गैप करके ये आपका पूछता ही है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद प्रूफ दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये ट्रांसपोज का एक क्वेश्चन है जो ये भी पूछता है आपका। उसके बाद डिफाइन हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। और यहाँ पे सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे एट टाइप है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जहाँ पे ये ए जो होगा वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन बैंक चाहे 10 साल 15 साल का उठा के देख लीजिए, इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब जब यही क्वेश्चन आप लोग को बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। आपका मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से ज़रूर रहेगा। इनवर्स का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, ठीक है। उसके बाद किस टाइप से रहेगा वो मॉडल पेपर आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में इनवर्स से, उसके बाद रैंक फाइंड करने के लिए, ऑर्डर फाइंड करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर टॉपिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करें उसमें। तो ये पहला स्टेप रहा कि इसको आप लोग नोट डाउन करके, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसको एनालाइज कीजिए और उसको खुद से आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप बनाएंगे ना वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 4-5 सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में 80+ 90+ या फिर 100 में 100 मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपने जैसे कि पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे जो बिहार विश्वविद्यालय का मॉडल पेपर है वो यूनिवर्सिटी के जारी करने से पहले ही पार्ट वन का यहाँ पे गेस्ट पेपर जारी हो गया है, तो वो आप लोग को 45 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि मुजफ्फरपुर में सिर्फ मिल रहा है, और कहीं कहीं आपका मार्केट में भी आ गया, लेकिन हर जगह मार्केट में नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ पे अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कुछ बच्चे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग को जाके एक बार मार्केट में चेक करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपको अगर ऑनलाइन भी मिलता है तो ऑनलाइन ही जल्दी से खरीद लीजिए और उसका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देखिए यहाँ पे जो मॉडल पेपर यहाँ पे जो वेबसाइट पे जारी किया जाएगा वो पेपर 300-300 प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय अधिक लगेगा, इसलिए आप लोग को यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर आने में ना आपको टाइम लग जाएगा। और गेस पेपर आ गया है तो गेस पेपर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आता था वो क्वेश्चन नहीं कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन से जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक जरूर आप लोग रिवाइज कीजिए, उस टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं उसके साथ साथ उसका जो थ्योरी है एकदम थ्रोली रिवाइज कीजिए। कि जैसे कि मुझे पता चला है कि आप लोग को जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने पर ही आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आपको उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के लिए आप लोग डेली का एक सेट कर लीजिए कि हाँ 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होगा। जैसे मैंने सपोज करके सेट किया कि 15 जुलाई तक मेरा सिलेबस कवर करना है। तो आपने अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो कोई मैटर नहीं करता। आप लोग को अभी से आज से टारगेट सेट करना है कि हाँ 15 जुलाई तक मुझे इतने चीज़ कवर करना है। उसके साथ साथ अगर आप लोग को 15 जुलाई के पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, उसके बाद ही डेट आएगा, ठीक है, या फिर 15 जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा, तो उसके पहले अगर मॉडल पेपर आ जाता है तो मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर के जो भी केस क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, उसको खरीद लीजिए, या फिर नहीं खरीदे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग गेस पेपर खरीद लीजिए और साथ में वो सारा क्वेश्चन बैंक का टॉपिक्स देखिए। आप लोग को जैसे मैंने मैट्रिक्स का बनाया था अभी, वैसे बनाकर आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा आप लोग को ये सब एनालाइज करने में। इसको आप लोग एक बार मतलब 3-4 दिन आप लोग लगाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट के आप लोग बना सकते हैं। 3-4 दिन लगाने के बाद आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे हर सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे नोट्स बनाने में, और उसके बाद 2-3 दिन में आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको 1 दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज कर जाइएगा पूरे सिलेबस का, आपका पेपर 1 पेपर 2 का, ठीक है। ऐसे करके आप लोग को एक बढ़िया से प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आप लोग के एग्जाम में आप लोग के जो 80+ मार्क्स है, 80+ मार्क्स आ जाएंगे। उसके साथ हो सकता है आपका 100 में 100 मार्क्स भी आ जाए, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ इतना मार्क्स आ सकता है। अपना मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मार्क्स तो आपके हाथ में नहीं, वो एग्जामिनर देगा, ठीक है, वो टीचर्स देंगे आपको मार्क्स कितना देना है वो उनके हाथ में है, लेकिन आप लोग मेहनत करना वो आपके हाथ में है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना आप लोग से हो सके उतना आप लोग मेहनत करें और एग्जाम को अच्छे से दें, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको यहीं पे एंड करते हैं।